जय हिंद दोस्तों, मैं हूं कांस्टेबल राजा शर्मा और स्वागत करता हूं आपको मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं आज बताने वाला हूं यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 का जो पेपर होने वाला है 17-18 फरवरी को, उसमें ज़्यादातर लोगों को ये कहना है कि मैथ जिसका कमज़ोर है उनका क्या होगा। तो जिनका मैथ कमज़ोर है उनके बारे में आज स्पेशली वीडियो लेके आया हूँ। जिनका मैथ कमज़ोर है वो कैसे मेरिट में आ सकते हैं और उन्हें कितना स्कोर किस सब्जेक्ट में करना अनिवार्य होगा अगर मैथ कमज़ोर है तो। ठीक, तो इसी टॉपिक में बात करूंगा। मैं बात करूंगा जो जनरल कैटेगरी है, जनरल कैटेगरी कोई भी अगर व्यक्ति, कोई भी लड़का अगर जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता है, अगर उसका मैथ कमज़ोर है तो उसको क्या करना पड़ेगा। जैसे जो ये हिंदी, पहले देखिए, पहले हिंदी जो होता है, हिंदी में टोटल 37 क्वेश्चन आने वाले हैं। 37 में से जनरल कैटेगरी का कोई लड़का हो उसको 33 क्वेश्चन करना अनिवार्य है। पहली बार अगर मैथ कमज़ोर है तो, अगर मैथ कमज़ोर है वो लड़का जनरल से आता है तो हिंदी में उसको 37 में से 33 क्वेश्चन करना पड़ेगा। बात करते हैं रीजनिंग की। अगर कोई जनरल कैटेगरी का लड़का है, मैथ कमज़ोर है, तो उसको रीजनिंग में 56 रीजनिंग पूछा जाता है, 56 में उसको 46 रीजनिंग लाना अनिवार्य है। ठीक, ये तो बात हो गया हिंदी और रीजनिंग का। अब बचता है जीके और मैथ। तो जीके जीएस पूछता है तो टोटल पूछता है 38 पूछता है जीके जीएस। और इसको, इसमें जनरल कैटेगरी का अगर कोई लड़का है उसका मैथ कमज़ोर है तो जीके जीएस में उसको लाना पड़ेगा 21 क्वेश्चन लाना उसके लिए अनिवार्य है अगर उसका मैथ कमज़ोर है तो। ठीक, अब बात करते हैं मैथ। मैथ का टोटल क्वेश्चन पूछता है 19 क्वेश्चन आता है मैथ का। और मैथ के 19 क्वेश्चन में उसको 10 क्वेश्चन लाना अनिवार्य है। ठीक, 19 क्वेश्चन है उसको 10 तो नॉर्मली आ ही जाता है और 10 क्वेश्चन उसको लाना बहुत ही जल्दी अनिवार्य है। और 10 क्वेश्चन जब वो ला लेगा तो टोटल इस नंबर को ग्रेड कर देंगे, टोटल उसका स्कोर रहता है 110 क्वेश्चन। और 110 क्वेश्चन अगर किसी के लड़के का आ जाता है, वो जनरल से बिलोंग करता है, तो उसको कोई भी नहीं मेरिट से छाटने वाला है। 110 क्वेश्चन में आराम से उसका हो जाएगा। और मैथ भी क्या, मैथ में करना पड़ेगा बस 9 क्वेश्चन तो आराम से, 9-10 क्वेश्चन तो आराम से कर लेगा। उसके बाद से आ जाते हैं ओबीसी कैटेगरी वालों के लिए। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस ये दोनों के लिए बात एक ही है। ठीक है, तो ओबीसी ईडब्ल्यूएस का हम बात करते हैं। ओबीसी ईडब्ल्यूएस में जो भी लड़के बिलोंग करते हैं उनको, अगर मैथ उनका कमज़ोर है तो, मैं बात कर रहा हूँ, उसका मैथ अगर कमज़ोर है तो हिंदी में उसको लाना अनिवार्य होगा 32 क्वेश्चन। हिंदी में 32 क्वेश्चन लाना अनिवार्य है। टोटल 37 क्वेश्चन पूछता है और 32 क्वेश्चन लाना है। ठीक, मैं ओबीसी के लिए बोल रहा हूँ और ईडब्ल्यूएस के, दोनों के लिए। उसके बाद से आ जाता है रीजनिंग। रीजनिंग में अगर किसी का मैथ कमज़ोर है, अगर ओबीसी से बिलोंग करता है, तो रीजनिंग में उसको 56 रीजनिंग में से 46 रीजनिंग लाना अनिवार्य है। ठीक, उसके बाद से बात आ जाता है किसका, जीके जीएस का। जीके जीएस का अगर कोई ओबीसी या ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करता है, उसका अगर कमज़ोर है मैथ, तो उसको जीके जीएस में 19 स्कोर करना अनिवार्य है। टोटल जीके जीएस पूछता है 38 में आपको 19 लाना है। ठीक, उसके बाद से बचता है क्या, मैथ। मैथ अगर बचता है, मैथ अगर कोई ईडब्ल्यूएस से है, ओबीसी से है, अगर मैथ कमज़ोर है फिर भी उसको मेरिट में आना है, तो कम से कम उसको 9 क्वेश्चन करना पड़ेगा। 19 मैथ आता है, 19 में से 9 उसको चाहिए ही चाहिए। ठीक है, इस टोटल को अगर जोड़ दिया जाए, 32 46 19 9 को अगर जोड़ दिया जाए तो टोटल हो जाता है 106 क्वेश्चन में उसको कोई नहीं रोकने वाला है ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए। ठीक, अब बात करते हैं एससी कैटेगरी के लिए। एससी कैटेगरी के जो लड़के हैं, अगर उसका मैथ कमज़ोर है तो वो आ जाइए, देखिए, अगर उसका मैथ कमज़ोर है तो उसको हिंदी में कम से कम 30 स्कोर करना पड़ेगा। हिंदी में 37 क्वेश्चन पूछता है, उसमें से 30 करना पड़ेगा। बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग में 56 क्वेश्चन पूछता है और उसमें करना पड़ेगा 43 एससी कैटेगरी के लिए। अगर उसका मैथ कमज़ोर है तो 43 क्वेश्चन रीजनिंग में करना अनिवार्य है। उसके बाद से आ जाता है जीके जीएस। जीके जीएस में क्या है कि जीके जीएस पूछता है 38। अगर उस व्यक्ति का जो एससी कैटेगरी से बिलोंग करता है, उसका मैथ अगर कमज़ोर है, तो जीके और जीएस में उसके लाना पड़ेगा 19 क्वेश्चन। जीके जीएस में कितना, 19 क्वेश्चन। और बात करते हैं मैथ की। मैथ उसमें लाना पड़ेगा कम से कम 8 क्वेश्चन। 18 में से 18 19 में से मैथ में से 8 क्वेश्चन केवल करना है एससी कैटेगरी के लिए, जिसका अगर मैथ कमज़ोर है तो। ठीक, और उसके बाद से तीनों के ऐड कर देंगे तो टोटल क्वेश्चन बनता है 100। और 100 क्वेश्चन में एससी कैटेगरी के लिए आराम से हो जाएगा। ठीक, अब बचता है एसटी कैटेगरी। एसटी कैटेगरी के लिए ये है कि अगर मैथ किसी का कमज़ोर है, अगर एसटी कैटेगरी से बिलोंग करता है, तो हिंदी जो है, हिंदी 37 पूछता है 37 में से उनको 28 क्वेश्चन हिंदी का लाना अनिवार्य है। रीजनिंग क्वेश्चन पूछता है 56 में से 41 क्वेश्चन लाना अनिवार्य है।
और GKGS पूछता है 38, 38 में से 19 क्वेश्चन लाना अनिवार्य है। और पूछता है ये मैथ 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 पूछता है 19 क्वेश्चन, और ST कैटेगरी कोई किसी का अगर मैथ कमजोर है तो कम से कम उसको 7 क्वेश्चन लाना है। 19 में से कितना, 7, 7 आराम से ही कर लेंगे लोग। और टोटल इनको जोड़ दिया जाए 28, 41, 19, 7 को अगर जोड़ दिया जाए तो टोटल क्वेश्चन बनता है 95, और 95 क्वेश्चन में ST कैटेगरी को कोई नहीं रोकने वाला, आराम से हो जाएगा। ठीक, तो यही तो यही कुछ बातें करनी थी आप लोगों से। जो 10 दिन बचाए केवल, 10 दिन में क्या करिए आप लोग कि कम से कम एक टाइम एक पेपर दीजिए और पूरा पेपर का रिव्यू देखिए क्या हम कहाँ पे गलती कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उसका शाम को रिवाइज करिए। बस एक काम करिए, 10 दिन लगातार, 10 दिन लगातार 10 पेपर करना है कम से कम। ठीक, प्रीवियस ईयर पेपर करिए चाहे प्रैक्टिस सेट करिए, जो भी करिए बस करना है। उसके वजह से घबराए नहीं, अगर किसी का मैथ अगर कमजोर है तो जैसे मैं बताया हूँ सेम उसी ढर्रे पर चले और फाइनली उसका सिलेक्शन हो ही जाएगा, कन्फर्म हो जाएगा। जितना मैं बताया हूँ स्कोर, उतना स्कोर अगर कर लेता है तो उसका सिलेक्शन पक्का है।